नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। खारिया की प्रगति रैली से बढ़ गया है चौधरी रणजीत सिंह का राजनीतिक कद। जेपी नड्डा और मनोहर लाल खट्टर ने थपथपाई है पीठ, जिससे विरोधियों को करारा झटका लगा। आजाद विधायक की रैली में के मंच पर जुड़े भाजपा के वरिष्ठ नेता। पल पल सिरसा से ब्यूरो रिपोर्ट। इसमें कोई दोहराए नहीं है कि 32 साल बाद चौधरी रणजीत सिंह की किस्मत का ऐसा ताला खुला कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। एक निर्दलीय विधायक होते हुए भी भाजपा सरकार के कैबिनेट मंत्री का पद मिल चुका। सरकार का धन्यवाद करने के लिए खारिया में प्रगति रैली भी रखी गई। इससे पहले तो भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने दूरी बनाए रखी, परंतु चौधरी ने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को बुलाकर बता दिया कि वे भले ही आजाद विधायक हैं, पर भाजपा वालों से भी कम नहीं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रैली में और उसे भीड़ देख करके गदगद हुए और चौधरी रणजीत सिंह की जमकर सराहना करते हुए उनकी पीठ भी थपथपाई। इस रैली से चौधरी रणजीत सिंह का जहां राजनीतिक कद बढ़ गया है, वहीं रैली में सीएम ने 215 करोड़ की योजनाओं की घोषणा भी कर डाली, जिसमें मंच से रखी गई हर मांग को पूरा करने का आश्वासन भी दिया। आपको बता दें कि चौधरी रणजीत सिंह ने वर्ष 1987 में रोड़ी से चुनाव जीता था। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस और भाजपा में रह करके कई बार किस्मत आजमाई, परंतु शायद नसीब ने उनका साथ नहीं दिया। वहीं रानिया विधानसभा क्षेत्र से 2 बार चुनाव लड़ा, परंतु हार ही मिली। वर्ष 2019 में कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो बगावत करते हुए आज़ाद चुनाव लड़ा और किस्मत साथ दे गई, यानी उन्होंने 32 साल बाद चुनाव जीता, वो भी अपने बलबूते पर। उधर भाजपा को 40 सीटें मिली। ऐसे में उन्होंने सरकार बनाने के लिए जेजेपी और आज़ाद विधायकों का साथ लेना पड़ा। आज़ाद विधायकों में केवल चौधरी रणजीत सिंह ही एक ऐसे विधायक रहे जिन्होंने मनोहर लाल खट्टर ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल करते हुए कैबिनेट मंत्री बनाया गया, यानी चौधरी रणजीत सिंह पर किस्मत खूब मेहरबान होकर बरसी। रणजीत सिंह का भाजपा हाईकमान की नज़रों में उच्च स्थान रहा, क्योंकि चौधरी देवीलाल के पुत्र हैं और देवीलाल अपने आप में एक राजनीतिक अध्याय रहे हैं। चौधरी रणजीत सिंह ने सीएम मनोहर लाल खट्टर का आभार व्यक्त करते हुए खारिया में प्रगति रैली का आयोजन किया। भाजपा नेता इस रैली को रणजीत सिंह की व्यक्तिगत रैली ही मान रहे हैं और इसी के चलते रैली में दूरी भी बनाए रखी। चौधरी रणजीत सिंह ने रैली को लेकर के खुद ही प्रचार प्रसार किया। पूर्व शिक्षा मंत्री चौधरी जगदीश नेहरा ने तो खुल करके रैली का विरोध भी किया। कुछ भाजपा नेता इस रैली को स्थगित करवाना भी चाहते थे। कोई कोरोना वायरस का हवाला दे रहा था तो कोई भाजपा की रैली नहीं है इसका प्रचार कर रहा था। हालांकि भाजपा नेताओं ने रैली से दूरी को देखते हुए चौधरी रणजीत सिंह ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को रैली का न्योता दे डाला और इसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार भी किया। जेपी नड्डा के आने की बात पक्की होते ही भाजपा नेता हरकत में आ गए। रैली को देख के भाजपा नेताओं के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए रैली में 2 दिन पहले से ही करनाल के सांसद और सिरसा जिला के प्रभारी रहे संजय भाटिया ने सिरसा में डेरा डाला, रैली स्थल का निरीक्षण भी किया। ऐसे में अधिकतर भाजपा नेता और अपने कार्यालय से बाहर आ गए। इस रैली में जितनी भी भीड़ जुटी वो केवल चौधरी रणजीत सिंह द्वारा ही जुटाई गई थी। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं का कोई शायद ही योगदान रहा हो। कहा यह भी जा रहा है कि भाजपा नेता और कार्यकर्ता केवल रैली में बैठने आए थे। रैली में भीड़ को देख करके भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर गदगद नजर आए। सीएम ने तो मन से साफ कर दिया कि चौधरी रणजीत सिंह हमारे हैं और हम चौधरी रणजीत सिंह के हैं। अगर तकनीकी दृष्टि से देखा जाए तो आजाद विधायक चौधरी रणजीत सिंह भाजपा में शामिल नहीं हो सकते, परंतु एक प्रकार से उन्होंने भाजपा को और भाजपा ने उन्हें अलंकार कर दिया। वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने मंच से चौधरी रणजीत सिंह की पीठ थपथपाई और इतनी बड़ी रैली में उन्हें बुलाने के लिए उनका धन्यवाद भी किया।
उधर स्थानीय भाजपा नेताओं ने भी उम्मीद नहीं थी कि रणजीत सिंह की रैली में इतनी बड़ी भीड़ जुट सकती है। वहीं वे मान रहे थे कि कोरोना वायरस के भय से रैली में भीड़ कम रहेगी, ऐसा न हो सका। इस रैली में सीएम ने मंच से करीबन 215 करोड़ रुपए की अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री के समक्ष जो भी मांग मंच पर रखी गई उसे सीएम ने स्वीकार किया। इसमें ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी सीएम ने सभी मांगों को स्वीकार किया हो और रैली की भीड़ देख करके सीएम चौधरी रणजीत सिंह से काफ़ी खुश नजर आए। वहीं रणजीत सिंह ने जो भी मांग रखी उसकी सीएम मनोहर लाल ने बखूबी मोहर लगा दी। इसे साफ है कि सीएम दूर की सोच राजनीति में रखते हैं। भले ही रणजीत सिंह आज आज़ाद विधायक हैं, परंतु अगली बार रणजीत सिंह भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव में उतरेंगे। यानी भाजपा ने मंच से इसको स्वीकार कर लिया है, जिसकी बखूबी घोषणा भी कर दी गई। कुछ भी हो, इससे ये साफ हो गया है कि चौधरी रणजीत सिंह का राजनीतिक कद अब से बढ़ गया है। सिरसा जिले में भले ही भाजपा का एक भी विधायक नहीं है, परंतु भाजपा रणजीत सिंह को अपना विधायक मानने लगी है। वहीं दूसरी ओर रणजीत सिंह के बढ़ते राजनीतिक कद से स्थानीय भाजपा के नेताओं की शायद नींद उड़ चुकी है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो अब शायद रणजीत सिंह का विरोध करने से पहले जरूर सोचेंगे। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट।